हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी और पार्टिकल एक्सेलरेटर में क्या रिश्ता है, क्यों मैंने जबरदस्ती उसको बीच में घुसा दिया। तो भाई साहब दिमाग पर जोर मत डालो, टॉपिक बिल्कुल भी दिमाग घुमाने वाला नहीं है, मैं ही समझा देता हूँ। ये है विकिपीडिया का एक पेज जिसका टाइटल है स्टोनिंग ऑफ डेविल, यानी हजारों सालों से, और मुझे पक्का नहीं पता कि हजार साल हुए या नहीं हुए, पर इतना पता है काफी समय से पत्थरबाजी बहुत तगड़ा प्रोफेशन है, काफी पुराने समय से पत्थरबाजी चलती आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीजें फेंकने में मजा आ रहा है। अब आते हैं वैज्ञानिकों पे, तो वो भी तो इंसान ही है, उनका भी तो मन करता है कुछ फेंक के मारने का। अब पत्थर तो वो मार नहीं सकते, तो चलो पार्टिकल ही फेंक के मार देते हैं, और बना डाला पार्टिकल एक्सेलरेटर। आपको क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे ना रे, इतना मजाक नहीं करता मैं। अब समझ में आया कि कैसे इंसान की एक पुरानी आदत ने पार्टिकल एक्सेलरेटर को जन्म दिया। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए हर डॉट को जोड़ लिया तो भाई साहब दिमाग के धागों की धुनाई बंद हो जाएगी। पिछले वीडियो से कुछ प्रॉब्लम रह गई है, तो चलो अब उनको निपटाते हैं। अब मेरे चैनल से तो आप खाली हाथ तो ना जाओगे, या तो कुछ सीखोगे या भरपेट हंसोगे, और अगर दोनों मिल जाएं तो क्या कहने। तो चलो चलते हैं सीधा मुद्दे पर। अब आता है पहला सवाल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्कूबा डाइविंग पर कैसे काम कर रहा था। देखो जब आप जमीन पर होते हो तो आपके शरीर पर सिर्फ एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर लगता है, ये हो गया पहला प्रेशर। अब आप चले गए हो पानी के नीचे तो पानी का प्रेशर भी आपके शरीर पर लगेगा, ये हो गया दूसरा प्रेशर। लेकिन जब आप पानी के नीचे चले जाओगे तो पानी की सतह के ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, तो अब आपके शरीर पर एटमॉस्फेयर और पानी दोनों का प्रेशर एक साथ लगेगा, और यही तो हमें डाल्टन ने बताया था, अलग अलग चीजों का प्रेशर जुड़कर टोटल प्रेशर के बराबर होता है। अब आती है दूसरी चीज, ऑक्सीजन सिलेंडर से निकल रही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शरीर में जाने पर कैसे दिक्कत पैदा करती है। देखो यहाँ पर एंट्री होती है इंग्लैंड के केमिस्ट विलियम हेनरी की, उन्होंने बताया कि पार्शियल प्रेशर के बढ़ने पर लिक्विड के अंदर गैस की घुलनशीलता बढ़ती है। यहाँ पर लिक्विड है आपके शरीर में बहता खून, और गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारा शरीर इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन आपके शरीर में जाकर बस बैठ जाएगी। लेकिन जब आप पानी की सतह से बाहर आओगे तो नाइट्रोजन फैल के बबल बनाएगी, और ये बबल कोशिश करेंगे आपके शरीर से बाहर निकलने की, जो देंगे आपको बहुत दर्द, बस इसी को बैंड्स कहते हैं। जब कोई डाइवर पानी में नीचे जाता है तो उसके सर के ऊपर का पानी और उस पानी के ऊपर का एटमॉस्फेयर दोनों मिलके उसके शरीर पर बहुत प्रेशर लगाते हैं, और यही प्रेशर आपके फेफड़ों की हवा को इतना कंप्रेस कर देते हैं कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से भरने के लिए सिलेंडर से ज्यादा हवा खींच ली जाती है। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। जॉन डाल्टन ने अपनी कई डिस्कवरीज के साथ ये भी बताया कि हर चीज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे आज के समय हम थ्योरी ऑफ एटॉमिसिटी के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आचार्य कनद के द्वारा किया गया है। मैंने पार्ट वन में भी कहा था अपने वाले भी कम नहीं है, वो तो हमारे इतिहास को बाहरी ताकतों ने मिटा दिया, पर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए, अब दुनिया की ऐसी की तैसी, अब ना रुकने वाले हम। जॉन डाल्टन के एटॉमिसिटी प्रिंसिपल के बाद आए माइकल फराडे। अब आप सोच रहे होंगे ये माइकल फराडे फिजिक्स वाले नहीं है? हाँ जी, ये वही माइकल फराडे हैं, ये फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। यहाँ एक बात याद रखना, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, तो माइकल फराडे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो लॉज दे दिए, जिनके दम पर आगे चलकर हम आज प्रेजेंट की बैटरियां इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके फोन की बैटरी है, आपके इन्वर्टर की बैटरी है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल माइकल फराडे के नियम ही है। अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर आपको एक आइडिया मिल गया होगा। हालांकि दुनिया की पहली बैटरी अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने 1800 में बनाई थी, जिसका नाम था वोल्टिक पाइल। अगर मैं हर चीज का इतिहास बताने बैठ गया तो क्वांटम फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, वैसे आधा हो ही गया हूं। तो माइकल फराडे ने केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। याद रखना, अभी हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बन रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, बस अंधेरे में तीर लग रहा है और निशाने पे ही लग रहा है। अब 1859 में जे प्लकर आए, उन्होंने बनाई दुनिया की पहली कैथोड रे ट्यूब। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बहुत पास पहुंचने वाले हैं। जूलियस प्लकर थे एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन, और उनके द्वारा बनाई गई कैथोड रे ट्यूब में जो चमक निकल रही थी उसके आधार पे उन्होंने कहा कि कैथोड रे जो भी प्रोड्यूस कर रही है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, यानी हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के और नजदीक पहुंच गए हैं। जब भी मैं किसी पुराने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में हर बार एक ही सवाल आता है, यहां तो एक ही सब्जेक्ट ने मार मार के बुद्धि का भूसा बना रखा है, और ये
तीनों को पकड़ के बैठे थे, फिजिसिस्ट ये, केमिस्ट ये, यहाँ तक कि बॉटनिस्ट भी, और मैथ तो बाजू में लगा के घूम रहे थे। इसके बाद ग्रैंड एंट्री के साथ आते हैं दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल वाले मेंडलीव। और इन्होंने ही पीरियोडिक टेबल के द्वारा फैलाए गए रायते को समेटा था, मतलब गलत सलत तरीके से अरेंज किए हुए एलिमेंट्स को सही तरीके से इन्होंने ही लगाया था। हालांकि मेंडलीव से पहले अलेक्जेंडर इमाइल, जॉन न्यूलैंड्स और जूलियस लोथार मेयर भी आए थे, लेकिन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा था। अब साइंटिस्ट के पास एक वेल ऑर्गेनाइज डाटा आ चुका था, जिसके आधार पर वो फ्यूचर के एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन कर सकते थे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ सकते थे। मतलब दोनों हाथों में आ गए थे लड्डू। इनके बाद एंट्री होती है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की, जिन्होंने लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। ये जो बाद में चल के कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी उसके चार्ज का सीधा रिलेशन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की डिस्कवरी से था। मैक्सवेल के बाद एंट्री होती है जी जे स्टोने की, और इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव पार्टिकल्स की वजह से बनती है। और अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, दुनिया को इलेक्ट्रॉन शब्द जी जे स्टोनी ने ही दिया है, पर उस समय इन्होंने उसे इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आए सर विलियम क्रुक्स, जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इतना तो पता लगा लिया था कि कैथोड रेज नेगेटिव होती हैं। उसके बाद आए यूजिन गोल्डस्टीन, जिन्होंने दुनिया को यह बताया कि कैथोड रे में सिर्फ नेगेटिवली चार्ज रेज प्रोड्यूस नहीं होती हैं, बल्कि एक विपरीत चार्ज की रेज भी प्रोड्यूस होती हैं, जिन्हें एनोड रे का नाम दिया गया था, और इनके चलने की दिशा कैथोड रे के जस्ट उलट होती है। फिर 1895 में डिस्कवरी हुई एक्सरेज की, जिसको खोद के निकाला था वेलम रोंटेंजन ने। और उसके बाद आया पूरे गाजे बाजे के साथ इलेक्ट्रॉन, जिसको लेके आए थे जेजे थॉमसन। फिर आया अल्फा पार्टिकल, जिसको लेके आए रदरफोर्ड। उसके बाद गामा रेज, जिसका क्रेडिट जाता है पोल वलार्ड को। उसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस, वो भी रदरफोर्ड लेके आए, और प्रोटॉन का क्रेडिट भी आप रदरफोर्ड को ही दे दीजिए। उसके बाद खोज हुई ड्यूट्रॉन की, जिसको डिस्कवर करा था हैरोल्ड उरे ने। और फिर एंट्री होती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल की, और नाम याद रखिएगा भाई साहब, इतिहास इसी अकेले पार्टिकल ने बदला है, न्यूट्रॉन, जिसको डिस्कवर करा था जेम्स कैडविक ने। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड में बताने जा रहा हूँ। न्यूट्रॉन के बाद आया एंटी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मियोन, फिर पायोन और फिर केयोन, और फिर आता है लंबाड़ा ब्रेयोन, फिर एंटी प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियोन न्यूट्रिनो, ब्रेयोन, पार्ट्रॉन्स, मेसोन, क्वार्क, टाऊ, इलिप्सोन मेसोन, ग्लूऑन, बोसोन, टॉप क्वार्क, एंटी हाइड्रोजन, क्वार्क ग्लूऑन फायरबॉल, टाऊ न्यूट्रिनो और एंटी हीलियम। यानी जितने पार्टिकल्स आपको किताबों में पढ़ाए जाते हैं उससे हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब क्योंकि हमने पार्टिकल्स की खोज कर करके ढेर लगा दिया है, तो चलो मारते हैं सबको फेंक फेंक के। इतनी पुरानी आदत है चीजें फेंकने की, इतनी आसानी से कैसे जाएगी। और इस बार होगा कुछ बहुत बड़ा, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा अगली वीडियो का इंतजार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।